तो हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। गाइस मेरा नाम जतिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल एरा, और यहाँ पे मिलेगा आपको टेक विद फन। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पे देख ही लिया होगा कि भाई आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। हाँ जी गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना भाई यूट्यूब चैनल के लिए अपना खुद का एक सब्सक्राइब एनिमेशन कैसे बनाए, ठीक है, अपने नाम और लोगों के साथ। जैसा कि आप एक स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस टाइप के, और भी अगर आप बना सकते हो आप चाहो तो, ठीक है गाइस, बहुत टाइप के होंगे, अलग अलग आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, कैसे बनाना है। मेन प्रोसेस अपने को एडिटिंग का बताना है मेरे को, ठीक है, और कैसे उसको अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, ठीक है गाइस। और भाई मेरी वॉइस को अभी थोड़ा सा इग्नोर कर देना, बिकॉज भारी आ रही होगी, तो क्योंकि मेरे मुंह में अभी छाले हो रखे हैं, तो गाइस इसको इग्नोर करना, ठीक है, स्किप कर देना, स्किप नहीं करना। सॉरी। लेकिन गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि भी आपको बताया यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ फन भी मिलता है। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक, वीडियो पे बहुत प्यारा सा एक कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करना। अब एक छोटे से इंट्रो के बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो भाई सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, आप क्रोम ब्राउजर पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, सब्सक्राइब एनिमेशन, और भाई अपने यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत आपको अच्छे अच्छे क्वालिटी में और बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपको मिलेंगे, ठीक है, उनमें से कोई भी डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है अपने काइन मास्टर में या कोई भी एडिटर जो आप यूज़ करते हो। काइन मास्टर में मैं चला जाता हूँ। तो गाइस काइन मास्टर में हम नया प्रोजेक्ट लेते हैं, यूट्यूब का जो रेशियो है 16:9 वो ले लेते हैं। उसके बाद भाई ये देखो, अब आपको क्लिक करना ऊपर मीडिया पे, और वो वाली अपनी फाइल ले लेनी है जो मैंने डाउनलोड करने के लिए बताया था, सब्सक्राइब एनिमेशन, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ भाई, मैंने सिंपल सा लिया है, एकदम सिंपल सा, ठीक है। अभी देखिए ये कुछ ऐसा है, प्ले करके दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है, अभी तो ये एकदम सिंपल है। अभी आपको करना क्या, तो गाइस अभी आपको कहीं पर भी बीच में ले लेना है, और भाई यहाँ पे एक तो आपको अपना लोगो ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैं लोगो ऐड कर लेता हूँ सिंपली से अपनी फ़ोटोज़ में जाके, तो गाइस ये रहा हमारा लोगो। तो अभी ये देखिएगा स्क्वायर शेप में है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है स्क्वायर शेप में, तो हम इसको भाई अपने जो शेप है उसी में सेट कर देते हैं, और आपको मैं सेट करने के बाद लास्ट में मिलता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, जितना गोल गोल राउंड शेप में रखना है तो मैं सेट करके ही मिलता हूँ आपको लास्ट में। बस 5 मिनट का काम है गाइस, बस 5 मिनट का। तो ये देखिए गाइस मैंने कर लिया है शेप, अब इसको कर लेते हैं हम छोटा, ठीक है, और यहाँ पे आगे सेट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा करना है तो हम कर लेंगे सेट एडजस्टमेंट, है ना, जितना भी करना है छोटा या बड़ा, बस आई थिंक ये शायद सही होगी, हाँ ये सही है। अभी आपको एक टेक्स्ट पे जाके अपने चैनल का नाम लिख लेना है, ठीक है, तो मेरा टेक्निकल एरा मैं लिख लेता हूँ, और भाई फॉन्ट में और कलर में तो सबसे पहले हम कलर कर लेते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर का ही कलर करते हैं, ठीक है, आप जो कलर करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इसको सेट कर देना है, और आपको शेडो को कर देना है बंद। अभी आपको जो भी फॉन्ट आपको रखना हो आप ले सकते हो, ठीक है, मैं अभी के लिए आपको रोबोटो वर्ल्ड ले लेता हूँ, मेरा तो यही है, ठीक है अभी। और उसके बाद आपको जो भी है मतलब और भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं वही लूँगा, ठीक है, आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल के तौर पे, लेकिन अभी के लिए हम वापस से अपना रोबोटो बॉल ले लेते हैं। अभी जो साइज इसकी थोड़ी सी सेट करके आगे पीछे कर देते हैं जितना हमको करना है, आई थिंक अब सही है, अब सही है गाइस, अब एकदम सही है। अब देखिए गाइस इसको पूरे स्टार्ट तक ले लेना है, ठीक है, इसको पूरे स्टार्ट से एंड तक ले लेना है, नाम को और अपने लोगों को पीछे भी पूरा स्टार्ट से एंड तक ले लेना है, ठीक है। इतनी बहुत एडिटिंग तो आपको आती होगी, आई थिंक आप यूट्यूबर हो तो, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ अभी क्या सीन होने वाला है, ठीक है, आप पीछे से थोड़ा थोड़ा कट करके रख लेना। तो गाइस जितना काम होने के बाद आपको इन एनिमेशन में जाना है, और भाई स्लाइड अप कर देना है दोनों का, फोटो का और टेक्स्ट का, ठीक है गाइस, जिससे क्या होगा, अरे गाइस अभी मैं आपको करके नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा भाई होगा क्या एनिमेशन से, ठीक है। तो अभी के लिए वापस हटाता हूँ, एक बार के लिए मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप इन एनिमेशन नहीं करते हो तो क्या होता है, और इन एनिमेशन रखोगे तो क्या होगा, मतलब जो वाला स्लाइड अप वाला। तो ये देखिए प्ले करिए, अब नाम पहले से यहाँ पे था, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लगा, देखिए गाइस अभी आपको इन एनिमेशन डालना है स्लाइड अप का,
मतलब जो भी आपके इधर से आए तो आप स्लाइड डाउन, जो भी आपका मतलब अलग टाइप का एनिमेशन होगा तो वो अलग ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो हम स्लाइड अप का कर लेते हैं। अभी देखिए गाइस एकदम नाम के साथ प्रॉपर ऊपर गया था, तो ये देखिए कितना अच्छा लगा। अब आउट में भी आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भाई आउट में भी आप देखना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी सी साइज इसकी सेट कर लेता हूँ भाई, थोड़ी सी सही नहीं है। नाउ इज ग्रेट, अब सही है भाई, एकदम सही है। हाँ अब एकदम सही है, ठीक है। तो अभी आउट में भी आप देख सकते हो क्या सीन होने वाला है, ठीक है। आउट एनिमेशन भी आपको देना पड़ेगा। हम वापस से प्ले करते हैं। इतना होने के बाद आपका जो सबसे पहले आएगा ये साथ में, कितना अच्छा लगा देखिए। इन एनिमेशन का ही काम था, सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को ऑन किया और उसके बाद वही ऐसा चला गया, तो नाम पीछे ही रह गया। अब आउट एनिमेशन भी सेम आपको देना पड़ेगा, वो किसका दोगे आप? स्लाइड डाउन का। तो गाइस वो स्लाइड डाउन आपको डाल देनी है और टाइमिंग अपने आप से सेट कर देनी है। मैं जैसे 1.5 रखता हूँ, ठीक है। टाइमिंग आप सब वीडियो के अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो दोनों में हम दे देंगे भाई स्लाइड डाउन, और 1.5 की रख लेंगे हम स्पीड। और अभी हम चला के देखते हैं भाई ना, तो ये देखिए। और अभी देखिए गाइस चला गया, ठीक है। तो भाई ऐसे आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट ना हो तो कर लेना। अभी हम क्या करते हैं, अभी आई थिंक सेट आप देख सकते हो, आया बेल आइकन को ऑन किया, सब्सक्राइब किया और भाई वापस से चला गया। आई थिंक लगभग सेट है और आप करोगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा मेरे एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है भाई, आई थिंक सही है। और भाई जो आवाज़ आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहते तो नहीं रखो, ऊपर से आप कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक। ही ले लेते हैं गाइस फर्स्ट वाला ही। भाई इसको डिलीट करते हैं एक भाई एक बार के लिए, तो हम इस पे भाई बीच में ऐड करते हैं, ठीक है। इसकी आवाज़ मैं एक बार के बंद कर देता हूँ, क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है इस पे सॉन्ग होने के कारण। तो अब मैं बीच में कहीं पे ऐड करता हूँ सब्सक्राइब वाले एनिमेशन, तो हम लेयर पे क्लिक करेंगे। अब लेयर पे क्लिक करना, ठीक है, मीडिया पे नहीं, उसके बाद मीडिया पे। अब आपको जाना है एक्सपोर्ट वाले पे, ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा। अभी आपको करना है क्रोमा की का जो ऑप्शन मिल रहा है आपको, देखिए नीचे से चार नंबर आवाज़, यहाँ से आप बढ़ाना चाहते हो रखना चाहते हो अलग बात है, क्रोमा की को आपको इनेबल कर देना है। अभी आपका काम डन हो चुका है। अभी आपको छोटा बड़ा जितना करना है यहाँ पे आप कॉर्नर से कर सकते हो, और जितना जहाँ पे एडजस्ट करना है वो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, अप्ले करता हूँ, तो देखिए हमारे वीडियो के बीच में ये आ गया, सब्सक्राइब किया, बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया और भाई वापस से चला गया। तो यही होता है सब्सक्राइब एनिमेशन, आप और भी डिफरेंट टाइप के बना सकते हो। सो गाइज होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक, वीडियो पे होते रहता है कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।